भैया माला कितने की थी? 40 रुपए की। दो देना। बेटा हाँ? मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, लेकिन हार से मेरा स्वागत करने की जरूरत नहीं। पंडित जी माला मेरी शादी के लिए है। है? ये क्या माला ले रहा है, तो फिर मंगलसूत्र कहाँ है? यहाँ मेरी जेब में है। हाँ? अब तो ठीक है। हाँ, ना? चलो चलो चलो। हाँ। बाकी के पैसे दो। ये लीजिए। चाय पीने के लिए हो गए। बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। बेटा हमें लेने के लिए, मतलब पिकअप करने के लिए कार कब आएगी? कार आएगी? कार नहीं पंडित। हाँ। जी ओपन वैन में जा रहे हैं। ओपन वैन में जा रहे हैं क्या? पंडित जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टाइम प्लीज। टाइम ना, आपको कौन सा टाइम पसंद है? साढ़े सात ही है। पंडित जी आप इससे बातें क्यों कर रहे हो? बेटा हम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और ये शराब पीकर मेरे ऊपर गिर रहा है। छोड़ो ना उसे। मुझे उल्टी आ रही है। पंडित जी आपको तो उल्टी आ रही जैसा लग रहा है। मुझे तो उल्टी आ रही है। लगता है बहुत पी लिया। बैठ कर उल्टी कर। जी, आप इन बेकार के कामों में क्यों पड़ रहे हो? उसे छोड़िए और वैन आ गई है, चलो चलते हैं। अरे वैन आ गई। रुको 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 रुको। चलिए चलो चलो चलो। हाथ लगा जल्दी कर। चलो 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 चलो। पंडित जी शुरू शुरू में तकलीफ होती है, फिर आदत हो जाती है। ये सब तो ठीक है, हार लेकर कहाँ जा रहा है? तू इसी तरह पीता रहा तो अगले अमावस तक तू ऊपर चला जाएगा, तब तेरे गले में आकर ये हार डाल दूंगा। नालायक, इसकी शादी है, मैं ही कराने वाला हूँ। पेमेंट की बात पहले ही हो गई है। पेमेंट की बात हो गई है? अच्छा, जन्म कुंडली मिला ली क्या? जन्म कुंडली मिला ली है, सारे ग्रह एक ही स्थान पर बैठे हैं, बहुत ही अच्छी है। मैंने इसके नहीं तुम्हारे बारे में पूछा। आप इससे बातें क्यों कर रहे हो? आप जरा चुप रहिए। ब्रदर नहीं नहीं सिस्टर सिस्टर माफ करना, माफ करना। इट्स ओके पंडित जी, नो प्रॉब्लम। इससे तो शराबी ही बेहतर है। नालायक, आज तक मैंने अपनी पत्नी को भी चुम्मा नहीं दिया है, समझे ना? मैंने भी नहीं दिया है। नालायक क्या कह रहा है? वो मेरी बीवी है, बीवी, समझ गया ना? सॉरी, माफ करना। लगता है पढ़ा लिखा शराबी है, तभी इंग्लिश में सॉरी बोल रहा है। बेटा क्या तुम्हारी ये गाड़ी गांव कब तक पहुंचेगी? इस पहाड़ के 4 चक्कर लगाने के बाद गांव आ जाएगा। क्या कहा, 4 चक्कर? यहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो रहा है, इतना शराब पी करके बदबू फैला रखी है। ए मैन गो बैक। बहन जी यू कम फॉरवर्ड। लो आ गई। मैं सिर रख लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। बेटा रवि बोलिए पंडित जी। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने पेमेंट कम मांग ली है, थोड़ी बढ़ा कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ देखता हूँ, जल्दी चलिए। थोड़ी देर में तुम ही ऊपर चले जाओगे, वहाँ पे बढ़ा के देंगे, ठीक है? कम कम ऑन। अब धीरे धीरे मुझे भी ये खुशबू अच्छी लगने लगी है, कहीं मैं भी शराबी ना बन जाऊं। ए प्रभु क्या नाप शनाप बोल रहा हूँ। रवि प्लीज पिक अप मी। बेटा यही घर है तुम्हारा? हाँ पंडित जी। घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन है? क्या रवि हार लेकर पंडित के साथ क्यों आया है? जरा रुकिए मैं बताता हूँ। बेटे ने कहा कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, इस गांव में कोई भी पंडित आने के लिए तैयार नहीं था, मुझे बुलाया तो मैं आ गया हूँ। बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ ये मेरे पिताजी हैं। तो मैं आपके बेटे की शादी करवा रहा हूँ। शादी कराने के बाद इसका अंतिम संस्कार भी कराकर चले जाना। ये आप क्या कह रहे हैं, कोई पिता अपने बेटे को श्राप देता है क्या? मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये खुद इस गांव का श्राप है। का श्राप? सब कुछ जानते हुए भी ये यहाँ पर हार लेकर खड़ा है, अब इसे और मैं क्या समझाऊं? बेटा तुम्हारे पिताजी किसी श्राप की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पंडित जी किसी जमाने में इस गांव के लोगों की गलती और कुछ लोगों के मौत के कारण इस गांव के लोग भूत आत्मा के डर से यहां पर जी रहे हैं, यही कारण है। बेटा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे तुम ये सब बता रहे हो वैसे वैसे मेरा रेट बढ़ता जा रहा है। भूत को भगाने का 1 अमाउंट, आत्मा को भगाने का 1 अमाउंट, और फिर इस अमाउंट से 1 पुरानी एम्बेसडर कार खरीदूंगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आगे बताओ आगे बताओ। इनके डर को भगाने के लिए ही
मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्यों बेटा, अब ये कौन है? यही मेरे ससुर हैं। अच्छा, ससुर हैं। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी हो रही है। बहुत अच्छे ससुर हैं। क्यों बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी कराने से कम मना किया? तुम्हारा पूरा अधिकार है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम उससे कहीं भी शादी कर लो, लेकिन हमारे गांव में शादी मत करना। ये क्या बाबूजी, आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए ऐसे डरपोक वाले काम मैं कभी नहीं करूँगा। अपने डर को कहीं फेंक दीजिए। जिस गांव में मेरे बाप दादा की शादी हुई, उसी गांव में मेरी भी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद मैं अपनी बीवी को शहर ले जाऊंगा। बेटा, तुम तो शहर चले जाओगे, मैं कहां जाऊंगा? बाबूजी, हमारी शादी के लिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस इतना ही। बेटा, तुम जो मंगलसूत्र मेरी बेटी को पहनाना चाहते हो, क्या वो उसे पहनने के लिए राजी है? उसकी मंजूरी चाहिए ना, इतना ही ना? हाँ बेटा। मैं बात करता हूँ। सुनो, तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तभी मेरे पति कहलाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें दिल से अपना जीवन साथी माना है, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता दूंगी, मुझे भूल जाओ। अरे पागल, मैं भी तुम्हारे और इन गांव वालों की तरह यहाँ पर रहता तो तुम लोगों की बातों को मान लेता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तुम लोगों की बातों में मैं कभी नहीं आऊंगा। शादी होते ही हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। तुम इन फालतू की बातों पर जरा भी विश्वास मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है रवि, पर हमारी सुहागरात यहाँ नहीं होनी चाहिए रवि। अरे पागल, मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ एक रात भी नहीं रुकेंगे, और तुम सुहागरात की बात कर रही हो। जाओ, पहले जाकर अपने माता पिता को राजी करो, ठीक है? पंडित जी, तेरी बदबू से यह दिया बुझ जाएगा, चल दूर, मुंह बंद कर, मंत्र भी नहीं बोलने दे रहा है। सब लोग मंगल सूत्र को छू करके आशीर्वाद दीजिए। सब चुप क्यों है, आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी, आप नहीं जानते, यहाँ इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, ये अपनी खुशी के लिए शादी कर रहा है। हम इसके माता पिता हैं, इसीलिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। बेटा, मंगल सूत्र उठाओ, वधु के गले में पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय धनु हरि। सब देख क्या रहे हो, सब लोग नौ दंपति को मन से आशीर्वाद दीजिए। चलिए, दीजिए आशीर्वाद, डालिए डालिए, फूल डालिए। रवि, जैसा तुमने चाहा था वैसे ही मन पसंद लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो गई, अब जाकर के आशीर्वाद लो। जाओ जाओ, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, खुश रहो। बेटा, तुमने गांव वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है, अब तुम दोनों शहर जाकर अपना जीवन खुशी से बिताओ। बेटा, तुमने अपने मन की बात कर ली, मेरी बात का बुरा मत मानना। आज ग्रह ठीक नहीं है और दिन भी अच्छा नहीं है। आज के दिन नौ विवाहितों को घर से नहीं जाना चाहिए, रात होने वाली है, कल सुबह चले जाना। बेटा, मेरी बात मान जाओ। पंडित जी, मैंने कहा था ना कि मैं शादी होते ही चला जाऊंगा, अब आप ही समझाइए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन इन्होंने कह दिया, बड़ों की बात को कभी नहीं टालना चाहिए। आज की रात यहीं रुककर कल सुबह चले जाना। बहन जी, जल्दबाजी में सुहागरात की तैयारी मत करने लगना, बस दूध और फल दे दीजिए, वही ठीक रहेगा। अच्छा, तो मैं चाहूंगा। जी पंडित जी, ये लीजिए। मुझे लगा वेट होगा, लेकिन ये तो बहुत ही लाइट हो गया। अच्छा अच्छा, इसने एम्बेसडर की डूम लाइट भी नहीं खरीद सकता। पंडित जी, थैला थैला मेरी निशानी के तौर पर तुम ही रख लो, चाहो तो इसे करते रहना। अभी मैं चलता हूँ। मेरे लिए दूध क्यों लेकर आई हो? ये तो रसम है, इसे पंडित जी ने कहा था कि आपके पीने के बाद ये मुझे दे देना, मैं पी लूंगी, ठीक है ना? ये पी लीजिए। सब लोग खुश रहो, खुशहाल रहो।
हे गाइस, वरुणपुर गांव आ गया है, यही हमारा टारगेट है, समझे? यार ये क्या है, सारे लोग यहाँ सड़क पर क्यों सो रहे हैं? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ सारे लोग सड़क पर क्यों लेटे हुए हैं? ए माने, इन लोगों को ये राज मत बताना कि रात को हम लोग गांव में नहीं जाते हैं। मेरी बात समझ गए ना? हाँ समझ गया। योगी, ये लोग बाहर से आए हैं, ठीक है? अरे अरे, हमें बताइए ना, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, ऊंची आवाज में क्यों बोल रहा है? तुम लोग हमारे गाँव में आए हो, हमारे गाँव के बारे में नहीं जानते? पहले ये बताओ, तुम लोग आखिर यहाँ क्यों आए हो? हमें पता चला है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही विचित्र जीवन जीते हैं। उसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उससे पहले तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अरे ये क्या बोल रहे हैं? जो कहना है कहने दो इसे। हम यहाँ जिस लिए आए हैं, उस काम को पूरा किए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तो क्या हम इनकी तरह सड़क पर सो जाएं? यही एक रास्ता है। तो फिर क्या सोच रहे हो, सब लोग यहीं सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाएंगे। चलो हाँ। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? रेस्ट रूम जाना है, जरा साथ चलो। मुझे क्यों बता रही है, मेरे सिर में दर्द है। एक काम करो, विष्णु को लेकर जाओ। विष्णु, विष्णु क्या है? जागो ना, मुझे अर्जेंटली रेस्ट रूम जाना है। तो उन्हें लेकर जाओ ना। ए मैंने उन्हें बोला, पर वो ऑलरेडी डर से नहीं जाना चाह रही हैं। अच्छा चलो। तुमने बैटरी डाली है ना? हाँ डाली तो थी, संभल कर। अरे अब जल रही है? यहाँ आते ही अचानक जल गई। हो सकता है कोई लूज कनेक्शन होगा। छे ऐसी बात नहीं है, तुम लो और जाओ। तुम भी साथ चलो ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम जाओ ना, जाओ जाओ। नहीं टॉर्च नहीं बैटरी, वहां पर नहीं जली और यहां पर जलने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अब चलें? चलो आओ। ये क्या, ये फिर से बंद हो गई? हो सकता है बैटरी वीक हो गई होगी। देखो अब जल रही है। हाँ, वो तो अगर है। बैटरी वीक होती तो कैसे जलती? मुझे सब समझ में आ गया। हे तुम लोग जल्दी से यहाँ आओ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए चलो। हे क्या बात है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये देखो अभी टॉर्च ऑफ है, ये देखो अब जल रही है। हाँ अब देखो, थोड़ा पीछे हटो। ये क्या मजा है? ए ये क्या बताना चाह रहा है तू? क्या बात है, क्या हुआ? हे विश्वास नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुको। ये देखो अब ये जल गई। सभी लोग अपने मोबाइल की लाइट ऑन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ ठीक है। ऑफ हो गई, अब यहाँ लेकर आओ। देख लिया, जरूर इस गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी बात मानो। सही कहा। जरा जरा सी बातों पे तुम डर जाती हो, इस तरह से हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे? हम पहले ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। इस गांव में ऐसा क्या है ये हमें जानना ही है। ए, चलो अब
चलो। हाँ ए प्रेम, हे उठ जा भाई, सो मत, देख यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ यार कोई भी नहीं है, सबको जगाओ। हे मारिया चलो चलते हैं, चलो। बेड कॉफी, यहाँ कहाँ से बेड कॉफी मिलेगी, चलो। अच्छा है ना? हे, यहाँ एक दुकान है। अरे देखो यार, चाय पीते चलो, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। चाय के लिए कहो। भैया छे चाय देना। सोच क्या रहे हो? वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन और यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? क्या सारी बात बताएंगे तभी चाय देंगे? चाय तो दूर की बात है, हम तो पानी भी नहीं देंगे। हमारे गाँव वाले राजी होंगे तभी देंगे। यार ये क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। यही है क्या? यही लोग हैं, यही हमारे गांव के बड़के हैं। बड़के मतलब? बड़के का मतलब हमारा भला बुरा सब यही देखते हैं, हमारी बीमारी का इलाज करते हैं। इनके मर्जी के बिना हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता है। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? सर हम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। है? अलग अलग गांव के बारे में जानकारी हासिल करके कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए हम यहां पर आए हैं। इस बड़पुर गांव में भूत है जानने के लिए आए हो या खजाना? सुनिए हमें पता चला है कि इस गांव में भूत प्रेत का साया है। रहस्य के बारे में जानना है तो एक काम करो, पहले ये फैसला कर लो तुम में सबसे पहले जान कौन देगा। अरे अब क्या करेंगे? सर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सर, जैसे आए हो वैसे ही भाग जाओ। मैंने कहा ना जाओ, मेरी बात समझ में आई? एक पल भी यहाँ मत रुकना, समझे? हम लोग अपनी सभी भावनाओं को कुचल कर यहाँ जी रहे हैं, तुम अपनी इच्छाओं के लिए अपनी जान गंवा कर हमारे गांव का नाम बदनाम करना चाहते हो क्या? दादाजी बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आए हैं। तो बस एक दिन यहाँ पर रुककर कल सुबह ही चले जाएंगे। मेहरबानी करके आप अनुमति दे दीजिए। ठीक है तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गांव में जो मंडप है उसमें रात गुजारो, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है दादाजी। हाँ हाँ ठीक है। हे इन्हें खाने के लिए कुछ दे दो ला करके। जी ठीक है ठीक है। चलो। हे बड़के का मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग यार। हे तूने परेशान क्यों करा, भाग यहाँ से पागल कहीं का। बच्चों तुम लोग बैठो मैं चाय बनाकर लाता हूँ। हाँ ठीक है। ऐसे हालात में हम बस आज की रात ही यहाँ पर रुकने वाले हैं। ऐसे में अपनी रिसर्च कैसे करेंगे, क्या कोई बता सकता है? सुनो हम लोगों को कुछ भी करके यहाँ पर रहना ही होगा, या फिर उसे अपनी तरफ करके या फिर लोगों को उसके खिलाफ खड़ा करना होगा। इसमें से कुछ होगा तभी हम यहाँ रह सकते हैं क्या? हाँ रेखा हम यहाँ तभी रह सकते हैं। ओके गाइस अब हम सो जाते हैं, सुबह उठकर बात करेंगे। ये किस लिए सिग्नल दे रहा है? क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? ये भी उठकर बैठ गई। अरे रूई और आग पास पास है, खतरा हो सकता है। 10 फीट दूर हो तब भी खतरा ही है। रेखा ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? तुम जाकर सो जाओ। रुको रुको कोई गलती मत करना, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। हेलो मिस्टर,
तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हम नहीं है। हमें हमारी लिमिट्स पता है, उसे कभी पार नहीं करेंगे। चुप रहो, हमेशा नियमित खाना खाने वाला भूख लगने पर ज्यादा ही खाना खाता है ना। वैसे ही अगर यहाँ कोई भी गलती हुई तो जान चली जाएगी। hey, हमारी जान और तुम्हारी बातों का क्या संबंध है बताओ हमें। हाँ, तुम नशे में हो, जाओ यहाँ से। जो नशे में होता है वही सच बोलता है। जहाँ तक हमारे गांव की बात है, यहाँ सहवास अपराध है। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो उतरा उसे खत्म कर देती है। भैया, आपके गांव में चुम्मा देने वाली नहीं है क्या? ए, नशे में है चुप। इस गांव के लोगों के मन में मौत का डर है, इसलिए सहवास को पाप समझकर जी रहे हैं। मेहरबानी करके तुम सब लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ। चले जाओ, सुबह चले जाना, जरूर चले जाना। तुम लोगों के पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए चले जाना। ठीक है ना? ठीक है। छे, ये लोग कैसे जी रहे हैं ये सुनकर हमें इतना बुरा लग रहा है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनपे भला क्या बीतती होगी? हमें ये पता लगाना होगा कि ये सच है या सिर्फ इन लोगों का वहम है। अगर ऐसा किया तो हम इन लोगों को बचा सकते हैं। सुबह होने दो, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। चलो सो जाओ। हेलो, अब तुम दोनों शराफत से सोते हो कि मैं शराबी को फिर से यहाँ पर बुलाऊं? प्लीज प्लीज, चलो सो जाते हैं, सो जाते हैं। ओके। रात को नींद कितनी कमाल की आई ना। रेखा बोलो, तुम्हें चाय चाहिए? कॉफी? ओके, कुछ खाते? तुम्हें चाय? हाँ जरूर। ये लोग तो अभी तक नहीं गए। भैया छह चाय देना। बड़के बाबा ने कहा था ना कि तुम लोग आज सुबह ही चले जाना, क्यों नहीं गए? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमने सिर्फ चाय मांगी है आपसे। ए, पकोड़े खाओगे? गरम है। रेखा ये लो। थैंक यू। ये लो। लो मारिया, उसे भी एक दे दो। ये क्या भैया, नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। ये तुम लोगों के लिए नया होगा पर हम लोगों के लिए नहीं है। नमक खाने से हमें गुस्सा आएगा और मिर्चा खाने से वीरता, और इस गांव में दोनों का ही काम नहीं है। इसका मतलब इस गांव में सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं क्या? उसकी जरूरत नहीं। अच्छा है। सुनो, अपने बच्चों को बुलाइए, उन्हें चॉकलेट देनी है। मैंने कहा ना उसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। इस गाँव में बच्चों की किलकारी सुने कई साल हो गए हैं बेटी, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। भैया, इस गाँव में समय बिताने के लिए टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं है क्या? सब कुछ है बेटा, देखो हमारी टीवी की हालत। आप लोग एक काल्पनिक शक्ति से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? सबके ऊपर देवी शक्ति है, आप उस शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? शैतानी शक्तियों से डरने वाले आप लोगों ने भगवान से क्यों नहीं प्रार्थना की? भगवान, जहाँ तक हमारे गाँव का सवाल है, हमारे लिए तो भगवान भी गूंगा हो गया है। यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ पर मंदिर आएगा, वहाँ भगवान की हालत देखोगे तो खुद ब खुद चले जाओगे। भैया, हमने जो कुछ भी खाया उसका कितना पैसा हुआ? मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम लोग चले जाओ यहाँ से। भैया आप बहुत अच्छे हैं। अरे सुनना, अब हम मंदिर जा रहे हैं ना। हाँ चलो, अब हम मंदिर ही जा रहे हैं। I have a monthly issue. I'll manage. Come. यार, वो आदमी सही कह रहा था, अगर भगवान की ये हालत है तो इंसानों की क्या हालत होगी। बेचारे इन भोले भाले अनपढ़ लोगों को कोई अदृश्य शक्ति अपना शिकार बना रही है। हे, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। अगर ऐसी कोई शक्ति है तो हमें साबित करना होगा, और तो और हमें उस शक्ति को काबू भी करना होगा, जो हम करके रहेंगे। हे, क्या हुआ? हे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भागो, चलो चलो चलो।
जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। चलो चलो बाबू, चलो वो हमारे पीछे आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी सब पीछे आ रहा हूं। इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग गांव छोड़कर नहीं गए हैं? तुम लोग क्या चाहते हो, इस गांव के लोगों की जान? पहले ही हम लोग अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। बाकी लोग अपने नाते रिश्तेदार को छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर, जान बचाकर यहाँ से भाग गए। बाकी यहाँ बचे हम लोगों की जान की कोई जवाबदेही नहीं है। हम खुद यहाँ डरे दुखी और परेशान होकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऊपर से तुम लोग यहाँ आकर हमें क्यों और दुखी कर रहे हो? मेहरबानी करके हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि यहाँ से जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, मेरा गाँव छोड़कर चले जाओ। सुपर यार, सुपर सुपर, आप बहुत अच्छा नाटक करते हैं। आपने इसी तरह नाटक करके इन भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या मैं इन लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ? क्या हुआ, आप लोगों से सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है? कहते हैं कि दिल खोल के हंसने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, पर यहाँ के लोग हंसना भूल गए हैं, मनोरोगी बन के जी रहे हैं, डर के पॉइजन में सांस ले रहे हैं ये लोग। चुप करो तुम, मैं भी देख रहा हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हमारे गांव के बारे में या हमारी परवाह करने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम लोग यहाँ आखिर किसके कहने पर आए हो? पुलिस भी अगर आता है तो बड़के बाबा से पूछ कर आता है। हमारे बड़के बाबा को झूठा कह रहे हो, जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम आम लोगों की तरह जीना सीख लेना चाहिए, समझे? आप लोग क्या देख रहे हो, हमारा मतलब है कि आप लोग भी हमारी तरह खुशी से जिए। भैया क्या हुआ, आप हंसना भूल गए हैं? हम आपको हंसना भी सिखा देंगे। नहीं बेटा, हमारे लिए हंसकर अपनी जान खतरे में मत डालो, वो हम सब लोग देख लेंगे। कम ऑन गाइस, लेट्स लॉफ। देखा हम कितनी देर तक हंसते रहे, लेकिन फिर भी किसी आत्मा या प्रेत ने हमें कुछ नहीं किया। क्योंकि तुम लोग बाहर ही हो। लेकिन अभी हम लोग आपके गांव में हैं, समझ गए? हंसने के लिए कोई आप लोगों को मार रहा है, ऐसी कल्पना आप लोगों ने अपने मन में खुद ही पैदा कर ली है। अगर पति पत्नी खुश रहते हैं तो उत्तरा उनको मार देगी इस डर से? आपने अगली नस्ल को पैदा ही नहीं होने दिया, ये आखिर कब तक चलता रहेगा, बताइए हमें। अगर हम झूठ को साबित कर दे तो आप भरोसा करेंगे? क्या कहा, तुम कैसे साबित करोगे? आप सब लोगों के सामने इन दोनों की शादी करके आप सभी लोगों का डर भगाएंगे हम लोग? ठीक है, अगर उसके बाद ये जिंदा रह गए तो हम सब गांव वाले तुम्हारी बात मानेंगे। अगर कोई अनहोनी हो गई तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, चलो भाई चलो। ये इसने क्या कहा? हम दोनों की शादी हो रही है? जानती हो, हमारे शुभ कार्य से ये गांव बहुत खुश हो जाएगा, इसलिए तुम्हें हाँ करनी ही होगी। ओहो, लगता है ये प्लान तुम लोगों ने पहले ही बना लिया। देखो ना, लड़की कितना शर्मा रही है, ची, है ना? जाओ यहाँ से। Oh, oh, oh.
बर्बाद हो, ये बर्बाद हो जाएंगे। हाँ चलो, इन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मुबारक हो रेखा, अब तुम घरेलू हो गई हो। चुप करना। चलो सेल्फी लेते हैं। जीजा जी, अगर ये फोटो फेसबुक पर डाले तो लाइक्स की भरमार आ जाएगी। तू मुझे जीजा जी कह रहा है? नहीं तो क्या, तुमने मेरी बहन से शादी जो की है। सुपर यार, क्या बात कही है। बड़के बाबा क्या है? हमें जो डर था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ बड़के बाबा, अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है? आपकी चुप्पी को देखकर तो लग रहा है जैसे अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है। ए, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। इन दोनों को जिंदा देखकर हम सभी लोगों को विश्वास हो गया। विश्वास हो गया ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें भी इन्हें भरोसा दिलाने के लिए इसी तरह एक शादी करानी होगी। ये क्या कह रहे हो? ये लोग तो बाहर ही है, इन्हें कोई काम नहीं इसीलिए बेवकूफी कर रहे हैं। तुम भी इनके साथ मिलकर के बेवकूफी कर रहे हो। जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। सही कहा, जाकर हम शादी करने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? कल इस गांव में एक और शादी होकर रहेगी। हाँ शादी होगी। तुम लोग बड़के बाबा के खिलाफ बात कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। चुप करो, अब आपकी मनमानी बहुत हो गई। चुप करो। तुम लोग उत्तरा के बारे में नहीं जानते हो, बस मैं ही जानता हूँ, जानता हूँ मैं। बहुत डर डर के जी लिए, अब आप भी गाँव वालों की बात सुनिए। हाँ चलो भाई चलो 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 चलो। अरे तू क्यों खड़ा है? अरे जा जा तू ही। कुछ भी हो यार, हमारी वजह से इस गांव के अच्छे दिन आ गए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बड़के बाबा उनका मन बदल देंगे। अरे यार अगर बदल देते हैं तो उनकी किस्मत है। चलो सोने चलते हैं। ठीक है, सुबह शादी का बहुत काम है। हाँ रेखा चलो सोने चलते हैं, आ जाओ। क्या कर रहा है यार? क्या है भला, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? ये मेरी बीवी है यार। सो आई एम अ फैमिली मैन। क्या कहा? फैमिली मैन? अभी तक तुम बैचलर ही हो। रेखा डार्लिंग। यस डार्लिंग टू। बाय डार्लिंग, सो जाओ। अब खुशी मिल गई तुझे? नमस्ते दोस्तों। ये शराबी फिर से आ गया। क्या चाहिए भाई तुझे? दूल्हे राजा, कल के लिए लड़का रेडी है, लड़की भी रेडी है। ओके स्मॉल कैटेक भाई। हा? तुम मुझे परेशान मत करो प्लीज। ओके ओके, बात मत करो, खुद ही भाग जाएगा। चुप करके सो जा। एक्सक्यूज मी, हेलो, नींबू को अचार प्लीज। जा बे। सॉरी ब्रदर, सॉरी। स्लीप गुड नाइट। अजीब आदमी है, सो जा। फूल देना, ये लो लगा दो। माला देना, पहना देती हूँ। चलो अब देर हो रही है। आजा आजा बैठ जा, थाली ले आ। बेटा तुम दोनों अपने हाथों से मंगलसूत्र दो, ये पहना देगा। हम कैसे दे सकते हैं?
आप अपने बाबा से देने के लिए कहिए ना। भला वो कैसे देंगे? वो तो नाराज होकर शादी में ही नहीं आए हैं। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए अपने हाथों से मंगलसूत्र दो। अपने हाथों से दे बेटा, वो पहना देगा। रब आशीर्वाद दो। हमें आशीर्वाद दीजिए। बस बस, पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। जाओ पैर छूकर आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद। खुश रहो बच्चों, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। ये प्लान सक्सेस। आखिर हमने कर ही दिखाया। थैंक गॉड। यस। इतने इंतजार के बाद शादी करने का अलग ही मजा है। ये लीजिए आपके लिए दूध। इच्छा नाम के तांडव में जीने वाले, पूरा संसार तुझे दिखाई नहीं देगा। जो ये तांडव के मर्म को समझ जाएगा, वो इस संसार में महान बन जाएगा। देख लिया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग इनकी बातों को मानकर इनका साथ दे रहे हैं। तुमने जो पाप किया उसके लिए बेचारे दो निर्दोषों की जान चली गई। अब ये कहकर बचाने से क्या फायदा कि हमसे गलती हो गई? जो मर गए वो वापस नहीं आएंगे। तुम्हारी बात मानकर जिनके बच्चे चले गए हैं उनको जवाब कौन देगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो तुम लोग कौन जवाब देगा? कोई जवाब देगा? आप ठीक कह रहे हैं बड़के बाबा, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। इनकी जान लूंगा तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। चुप करो, पिछड़ो। इन्हें मारने से एक खूनी तमगा और लग जाएगा, फिर इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटा कम से कम मेरी बात मानो, यहाँ से तुम लोग चले जाओ। बाबा जी पहले तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ। उठो उठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमें दुखी देखकर तुम्हें हम पर तरस आया, हमारी मदद करनी चाहिए लेकिन वो उल्टा ही हो गया। नहीं बाबा, हमारी सुहागरात हो जाने का हमने नाटक किया था। आगे मत आना, पीछे जाओ जाओ। हम लोग जैसे कॉलेज में नाटक करते हैं वैसा यहाँ भी किया। ये शादी भी उसी तरह रची गई। अगर नाटक किया है तो इस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों है? हैं? उतारो इसे, उतारो। उतारो। लोगों के दिल से डर को भगाने के लिए हमने ऐसा किया, लेकिन ऐसा होगा हमने सोचा भी नहीं था। अब हम इस समस्या का समाधान किए बिना इस गांव से नहीं जाने वाले। तुम फिर से शुरू हो गए क्यों? नहीं बाबा, इसका अंत करने वाले हैं। इस दुष्ट आत्मा को रोकने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाना होगा या किसी पुरोहित के पास जाना होगा। हम कुछ भी करने को तैयार हैं बाबा। उसका गुस्सा शांत हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? हा? उस दिन तुम लोगों का पीछा करते हुए आया था ना वो जोगी, उसके पास जाओ, तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा बाबा, अच्छा जी, हम चलते हैं। हा? अब दोबारा मत आना, जाओ। रुक जाओ वहीं पर, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। Thank you.
पागल ने हमको मारने की कोशिश की थी, पता नहीं ये आज क्या करेगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं। ए, मेरी बात सुनो, हमसे जो कुछ गलती हुई है उसको हमें ही सुधारना होगा। कुछ भी हो यार, इस वक्त हमारे पास एक ही हल है और वो हल है ये बाबा। हे सुनो, जैसे बड़के बाबा ने कहा था, हो सकता है शायद इसके पास सच में कोई होगा। देखो वो जा रहा है, चलो उसके पीछे चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो। इस संसार में सब माया है तांडव करने वाले, तुझे ये बात समझनी होगी अन्याय करने वाले। हे ये तो कोई श्लोक बोल रहा है। हम तो इसे पागल समझ रहे थे, ये तो श्लोक बोल रहा है। इस संसार में सब माया है तांडव करने वाले, तुझे ये बात समझनी होगी अन्याय करने वाले। इस संसार में सब माया है तांडव करने वाले, तुझे ये बात समझनी होगी अन्याय करने वाले। राजकुमारी उत्तरा देवी की जय हो। 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 ए बुढ़िया, पूरा राज्य राजकुमारी उत्तरा देवी की जय जयकार कर रहा है और तू बैठी यहाँ पर सुपारी तोड़ रही है। तू आंखों से देख नहीं सकती है या कानों से सुन नहीं सकती है। ए बेवकूफ, पहले अपनी जबान को लगाम दे। पूरा राज्य जिस राजकुमारी उत्तरा देवी की जयकार कर रहा है वो तेरे लिए राजकुमारी होगी, लेकिन वो मेरे बेटे की बेटी है, यानी कि मेरी पोती। ए बुढ़िया, नानी पोती की रिश्तेदारी अपने घर में रखना। राजकुमारी जब शहर भ्रमण के लिए आए तो हर किसी को उठकर उन्हें प्रणाम करना होगा। खड़ी हो जा। क्या कहा तूने? ए अहंकारी बुढ़िया, मेरे अंगरक्षक पर हाथ उठाने के लिए उसे अभी माफी मांग। उत्तरा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी दादी हूँ और मुझसे कह रही हो कि मैं इनसे माफी मांगूं? अरे जा यहाँ से अहंकारी लड़की। राजकुमारी जी, उत्तरा। राजकुमारी जी, राजकुमारी उत्तरा। अरे उत्तरा, मुझे छोड़कर चली गई। देखो उत्तरा, उत्तरा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई उत्तरा? अरे कहाँ चली गई मुझे छोड़कर उत्तरा? हे शिवा, मेरी पोती कहाँ है? वो मंदिर में है। सुबह सुबह मैंने एक पूरा सपना देखा है, मुझे देखा? मेरी पोती के पास ले चल उत्तरा। अरे मेरी उत्तरा कहाँ चली गई? अरे उत्तरा, उत्तरा।
तारा। क्या हुआ नानी? मैंने एक बुरा सपना देखा है। सपना देखा? हाँ। तुम्हारे सपने में मैं आई थी? हाँ मेरा बच्चा। तो बताइए मैं कैसी लग रही थी? राजकुमारी लग रही थी मेरे लाडो। सब लोग तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। तुम घोड़े पर सवार होकर आ रही थी और मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। इसी दुख से दुखी होकर तुमने आत्महत्या कर लिया मेरी लाडो। नानी हाँ। मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ देखो। हाँ। अब आप सपने के बारे में सोचना बंद करिए, ठीक है? जब तक देवी माँ मेरे साथ है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ। जल्द ही देवी माँ का मंदिर बनवाना है। हाँ। यही मेरी इच्छा है नानी। अरे वहाँ क्या कर रहा है? जब देखो शराब पीता रहता है। गरम पानी डाल दूंगा तेरे ऊपर, पागल कहीं का। पांडे भैया। अरे आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते भैया। तुम्हारे कारण ही इस गांव को रोशनी मिलने वाली है। ए? इनके कारण कैसे रोशनी होगी? दिन में चांद की रोशनी, रात को सूरज की रोशनी, इन दोनों से ज्यादा ये कौन सी रोशनी देने वाला है? हे शराबी, तू अपना मुंह बंद कर। बेटा तुम चाय पियो, ये लो, पागल कहीं का। भैया आपके गांव के बारे में अच्छी तरह पूछताछ करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको ये लाइट अभी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना तो इसके बिना आप जी नहीं सकोगे, जिंदगी अधूरी लगेगी। अरे भैया नमस्ते नमस्ते। बेटा यही हमारे गाँव के बड़के बाबा है, इस गाँव का छोटा बड़ा फैसला सब यही करते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बड़के बाबा। ये हमारे गांव में लाइट वाइट लगाने आए हैं। अच्छा अच्छा, वो तुम ही हो बेटा? ठीक है, बहुत खुशी की बात। हाँ। है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर के मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ। चलता हूँ। ठीक है भैया। सन, इस गांव के लोग थोड़े जंगली हैं, थोड़ा ध्यान रखियो, समझ आई? क्योंकि ये लोग तुझे कुछ नहीं बताने वाले। अरे जल्दी आना। आया। ये बताइए इससे पहले आप सब कहाँ थे? बेटा वो मेरी माँ के पेट में। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है। चाय के पैसे तो दे। सर देंगे। सर। तो बात ऐसी है बेटा, पहले हम लोग उस पहाड़ी पर रहते थे, हमारे गांव के बड़ों ने बात करके यहाँ रहने का इंतजाम किया। अब हम सभी लोग यहाँ पर इंसानों की तरह रहते हैं, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सब हो पाया है तो इसकी वजह केवल मुकेश जी के पिताजी ही हैं। ओ अच्छा, तो ये बात है। ठीक है मैं चलता हूँ भैया। ठीक है बेटा। तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तब से कह रही हूँ। ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। मैंने जो कहा वो आपने सुना या नहीं सुना? पर ये हरे रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ब्लू कलर चाहिए या येलो कलर चाहिए तो मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, नजर का टीका लगाना भूल गई। इस गांव को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। जी करता है बस आपको ही देखती रहूं। कितनी सुंदर है आप। We'll be right back.
मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आ जाओ। अरे मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ चलो, सब लोगों को कतार में खड़े होने के लिए कहो। हाँ हाँ जल्दी करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ले जाओ, जल्दी करो, चलो चलो चलो। हाँ लाओ, 200 है। हाँ जाओ जाओ, ये लो ये लो बेटा, ये लो। हाँ ठीक है, ये लो ये लो ये लो, ये लो बेटा। भैया ये आदमी कौन है? बेटा मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना मुकेश जी के बारे में, याद है कि नहीं? ये वही है, हमारे गांव के लोगों के लिए भगवान की तरह है, हर महीने आते हैं ये। वो सब तो ठीक है, लेकिन सब इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? ब्याज के पैसे दे रहे हैं। क्या कह रहे हो भैया, गांव के बड़े आदमी हैं, आप सबके भगवान कह रहे हो और ब्याज दे रहे हो। देखो तुम उनके बारे में गलत सोच रहे हो, वो हमारे गाँव के लोगों को घर बनाने और कारोबार के लिए पैसे दे रहे हैं, असल नहीं दे सकते, इसीलिए हम सब फैसला करके कम से कम में उन्हें ब्याज दे रहे हैं। तुम्हें पता है वो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके लिए ये ब्याज का पैसा उनके घर की गायों के लिए एक दिन के चारे के लिए भी काफी नहीं है। कौन पांडे हो? 500 रुपए दो। जी लीजिए। चलो जाओ जाओ जाओ। नमस्कार। आप ललिता हो? 500 रुपए देकर जाओ। हाँ। जाओ जाओ। हाँ राम शरण होना, पुराना मिलाकर 1000 रुपए बनते हैं। भैया अगले महीने पूरा दे दूं। हर महीने यही कहते हो? इसे तो क्यों मार रहे हो उसे? नहीं मालिक, 2-3 महीने से यही कह रहा है कि अब दूंगा तब दूंगा। ए, पैसा लेना जानता लेकिन देना नहीं जानता है। मालिक इन्हें मत मारिए, माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है, मैंने उन पैसों से अपने लिए पाजेब बनवा ली थी। तो तुम एक काम करो, तुम जो पाजेब खरीदी हो उसे पहनकर मुझे मेरे बंगले पर आकर दिखाना, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। ठीक है मालिक। जाओ। चलिए जी। नमस्ते मालिक, कैसे हैं आप? ए, देख क्या रहा, पैसे ले। लाओ लाओ लाओ। नमस्ते मालिक। हाँ चलो। नमस्ते। हाँ जाओ। ए कलावती, 200 रुपए दे। क्या कलावती, मैं तुमसे ब्याज लूंगा। ए इन्हें ब्याज का पैसा वापस कर। ये लो। ये बताओ अपनी पोती की शादी कब कर रही हो? ये तो कहती है मंदिर बनवाने के बाद ही शादी करूंगी। अगर मैं मंदिर बनवा दूं तो शादी करोगी ना? नानी आप बात करिए, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये क्या, तुम्हारी पोती बड़े गुस्से में चली गई? वो हमेशा ऐसे ही रहती है, क्या करूं? ओ अच्छा। ये कौन है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छा भैया चलता हूँ मैं। अच्छा गांव में कहाँ कहाँ बिजली लगानी है देखना है ना मुझे। बेटा जल्दी से मेरे दुकान में भी लाइट लगा दो ना। ठीक है भैया। भैया हाँ, ये लड़की कौन है? ये लड़की अपनी कलावती नानी की पोती है, इसका नाम उत्तरा है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। जब हम लोग पहाड़ों में रहते थे ना, तब इसके माता पिता को शेर ने मार दिया था बेचारी, तब से कलावती नानी ही से पाल रही है। सब किस्मत अच्छा, का तो खेल है। चलता हूं। चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। नमस्ते बेटा। नमस्ते बाबा। बेटा आपके पिताजी के बाद तुम्हारी दया पर ही हम सब जी रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो मैं चलता हूं। ठीक है ठीक है। कौन है वो? अच्छा वो बिजली विभाग से है, हमारे गांव में लाइट लाने आया है। बिजली लगाने आया है, बताती हूँ। अब देखो। ए! इतने से काम के लिए 7 दिन लगा रहे हो, कब खत्म होगा? कर तो रहा हूँ, पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा कह रहे हो? अब फंसेगा। ये क्या, ये लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ए ये लड़की मुझे देखकर हंस क्यों रही है? तूने क्या किया?
मैं मुस्कुराया था। अच्छा तो कनेक्शन दे दिया? कैसा कनेक्शन? सब देखा है मैंने। क्या देख लिया? थोड़ी देर में गांव के पंचायत के लोग आ जाएंगे, समझे? जल्दी नहीं है, तुम आराम से काम करो, चलेगा। हाँ, हाँ। कहाँ भाग रहा है, अभी बताती हूँ। अरे भागो। अरे बाप रे। अरे बाप रे, थक गया। एक लड़की को देखकर मुस्कुराना इतना बड़ा गुनाह है क्या? क्या देखा? अच्छी लगी तो मैं मुस्कुराया, इसमें गलत क्या है? सर। हाँ। बहुत सांस फूल रही है। हाँ बहुत ज्यादा फूल रही है। अरे बाप रे। माफ कर दीजिए, क्या आपको देखकर जरा सा मुस्कुराने पर आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गांव में किसी से मत कहिएगा प्लीज, कोई कह रहा था कि पंचायत बुला लेंगे। तभी इतना डर रहा है। अच्छा तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी? बोलिए ना, गिरकर माफी मांगू? नहीं नहीं, वो सब नहीं करना। मंदिर में भगवान के लिए लाइट लगानी पड़ेगी। इतनी छोटी बात, मैं मंदिर में लगा दूंगा। लेकिन पैसे मत मांगना। अरे नहीं, ये तो सरकार की तरफ से आपकी मदद है। वैसे तो गांव में बिजली तो लगानी ही है मुझे, लेकिन आप कह रही है तो मैं मंदिर में लगा लूंगा। मेरे कहते ही तुम मान गए, उसके लिए शुक्रिया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतना तो चलता है। आपको मैंने उसी दिन देखा था कि आप भगवान को कितना मानती हैं। मुझे? हाँ, तुमने देखा? हाँ, था? कब? मैं जिस दिन इस गांव में आया था ना, उस दिन आप देवी को साड़ी पहना रही थी, एकदम सुपर। आपने तो भगवान से ही दोस्ती कर रखी है। मैं और देवी माँ गहरे दोस्त हैं। वैसे उस दिन आकर बात कर सकते थे, क्यों नहीं की तुमने? वो बात ये है कि मैं इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। इसका मतलब है तुम्हारा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरी बात से अपना मन दुखी मत करना, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। मंदिर में लाइट लगा दोगे ना? हाँ लगा दूंगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते जी। देखने में भी बहुत सुंदर है और बर्ताव में भी। गणेशा क्या हुआ? अरे आपको नहीं, बस ऐसे ही, बाय टाटा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा तो यहीं पर लाइट लगानी है? सही कहा, रात में देवी माँ अंधेरे में ही रहती हैं, उनके लिए लगाने को कहा। ठीक है, अच्छा लगा देंगे। सुनो मनी, तुम 2 फीट का गहरा गड्ढा खोदकर पाइप काटो और कनेक्शन लगा दो। शिवा तुम सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ो। हाँ ठीक है, चलो जल्दी काम पर लग जाओ। ए जल्दी काम खत्म करो यार, भूख लग रही है, खाना भी खाना है। ये लो चाय आ गई। दे दो। ये लो चाय। हाँ ये लो मनी, चाय पी। हाँ हाँ भैया। हाँ डालो। ये लो चाय पी लो। बस बस। हो गया, तुम सब सामान लेकर चलो और सीढ़ी भी उठा लो। ए, चलो। अरे वाह, लाइट लग गई, लाइट लग गई। माँ तुम्हारे लिए लाइट लग गई। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ, लाइट लगाने वाले इन हाथों में सोने का कड़ा होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, ये लो पहना दो।
अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ, चाहो तो मैं एक तोहफा दे सकती हूँ, उसे तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दे दो। तो पहले आंखें बंद करो। अच्छे से आंखें बंद करो। हाँ हाँ। देख रही हूँ किसी की आंखों में प्यार, देख रही हूँ किसी की आंखों में प्यार। सुनो, मेरे घर आकर मेरी नानी से मेरा हाथ मांगोगे? कौन, मैं? तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। ये बात है तो मैं आऊंगा। ए, गाड़ी रुको। ए, कौन है ये? भैया ये हमारे गांव में बिजली के खंभे लगाने आया था। बिजली का खंभा लगाने आया था और मेरी उतरा के दिल में जगह बना रहा है। ए, जीप निकाल, दोनों को अभी मार के उड़ा देता हूँ मैं। भैया सरकारी आदमी है लेकिन कुछ भी हो उतरा आपकी ही है। अरे मैं पता लगाता हूँ ना। चलो हाँ चलो चलो हाँ चलो। नानी खाने में ना तीखा थोड़ा कम डालना, तुम्हें स्वाद का तो पता नहीं चलता लेकिन मुझे पता चलता है। नानी नानी कहाँ हो? बोल क्यों चिल्ला रही है? बोल क्या बात है? मैं अच्छी तरह से सुन सकती हूँ। वो आ गए हैं नानी। वो कौन, नाम तो बता। अरे मैं एक बार कहने से समझ नहीं आता। समझ नहीं आया तभी तो पूछ रही हूँ। चलो नानी बताती हूँ, चलो। आओ बेटा आओ आओ आओ, बैठो बैठो ना, बैठ जाओ ना। मंदिर में तुमने बिजली लगा दी, मेरी पोती ने बताया मुझे, अब मैं तो बस इसकी खुशी के लिए जिंदा हूँ। लेकिन इसे तो भगवान से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं उसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का भेज दे। नानी मैं यहाँ आपसे उत्तरा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। देवी माँ के आशीर्वाद से मेरी पोती तुम्हें पसंद करने लगी है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ बेटा। ये बताओ बेटा, तुम्हारे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी है ना? ठीक है, मैं अनाथ हूँ इसलिए सब लोग मुझे लड़की देने से मना कर देते हैं। ऐसा मत कहो बेटा, तुम सरकारी नौकरी में हो, मैं मर भी गई तो तुम मेरी पोती का अच्छा ख्याल रखोगे ना? तुम दोनों की शादी का जल्द ही इंतजाम करती हूँ मैं। तुम तो खुश हो ना बेटा? बहुत खुश हूँ नानी। तुम जाकर तैयारी करो। चलता हूँ नानी, बाद में मिलते हैं। मेरी राजकुमारी को राजकुमार मिला है। भैया वो बुढ़िया उत्तरा की शादी उस बिजली वाले से कराने वाली है। मैंने उसी दिन कहा था कि दोनों को जीप से कुचलकर मार देते हैं। अब देखो उनका अंतिम संस्कार नहीं शादी हो रही है। ऐसा मैं होने दूंगा? कभी भी नहीं होने दूंगा मैं। भैया वो सरकारी आदमी है, उसे कुछ हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये मुकेश जानता है कौन सा काम कैसे करना है, समझे? ये क्या भैया, मुकेश तो महीने की शुरुआत में आते हैं, आज कैसे आ गए? होगी कोई बात, मुझे नहीं पता। ए, गांव में जाकर बड़के बाबा को बुला कर लाओ। ए, जल्दी गांव में जाकर सबको बुला कर लेके आओ। ठीक है, हे जाओ। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुकेश मालिक आए हैं, मुकेश मालिक आए हैं, सभी लोग आ जाओ। चलो चलो सब लोग जल्दी करो, आ जाओ।
आओ 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 ए चलो मुकेश मालिक आए चलो आओ ए शराबी उठ अबे बेवड़े चलो चलो आओ लगता है मुकेश जी भी सुबह सुबह लगाकर आ गए। चुप कर शराबी। माफ करना मैंने भी लगा रखी है। बेटा, बेटा, आइए आइए गांव के प्रधान। हाँ? तुमने मेरे मुंह पे कालिख पुतवा दी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? ऐसा क्या हुआ है? ए, होने के लिए बाकी क्या रह गया है? तुम लोग मुझे इज्जत मत दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों की भलाई के लिए मेरे पिताजी ने अपनी जान दे दी, कम से कम उनका तो मान रख लेते। बेटा ऐसी बात मत करो, हम लोग जंगलों में पहाड़ों में जंगली जानवरों से अपनी जान बचाकर किसी तरह हम लोग जी रहे थे। ऐसी जिंदगी से हमें छुटकारा दिलाकर इंसानों की तरह हम लोगों को यहाँ लाकर आपके पिताजी ने बसाया था। हम सबके भगवान आपके पिताजी ही थे बेटा, उन्होंने जीते जी यही किया और उनके जाने के बाद तुम इनकी इच्छा पूरी कर रहे हो। हम आज भी आपको भगवान की तरह ही मानते हैं बेटा। मैंने भी आपको कभी अपने से अलग नहीं समझा, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोगों में से एक लड़की बाहर वाले से शादी करने वाली है तो मुझसे रहा नहीं गया, बहुत दुख हुआ मुझे। जरा साफ साफ बताओ बेटा, जो बात पूरे गांव वालों को पता है, तुम तो गांव के प्रधान हो, तुम्हें भी तो पता होगा। उस बुढ़िया कलावती की पोती उत्तरा इस गांव में जो लाइट लगाने आया है ना, उससे शादी करने वाली है, मतलब प्रेम विवाह। कलयुग आ गया है, देख कर मुझे शक हो गया था। जंगलों में जानवरों की तरह रहने वाले तुम लोगों को यहाँ पर बसाने वाले मेरे पिताजी के आत्मा को कैसे शांति मिलेगी बताओ मुझे। मेरे पिताजी ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो कल कोई दूसरा करेगा, उसके बाद कोई तीसरा आएगा, धीरे धीरे तुम लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सोचा था वो लड़की खुश रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होने देगा। तुम चाहते हो कि तुम खत्म हो जाओ? बेटा ऐसी नौबत इस गांव में कभी नहीं आएगी, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा करो बेटा, मैं वचन देता हूँ। ए सुनो, सब मेरे साथ चलो, उस बुढ़िया को सबक सिखाना ही होगा। आप जाओ बेटा, चलो मेरे सब चलो। ए कलावती, कलावती नमस्ते। चल पीछे। ए कलावती बाहर आओ। आइए आइए, एक साथ सब लोग आज कैसे आ गए हैं? गांव पर मुसीबत आए तो सबको एक साथ ही आना पड़ता है। मुसीबत? क्यों कलावती, मुंह ऐसा बनाए जैसे कुछ जानती नहीं है, तुम दोनों ही सारी मुसीबत की जड़ हो। सुना है तुम्हारी पोती की शादी हो रही है? हाँ, मैंने कल ही फैसला किया है, बताने ही वाली थी सारी बात तुम लोगों को। हम लोग तो आ गए लेकिन बेइज्जत होकर के आए हैं। इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? लड़की को लड़का पसंद है, सरकारी नौकरी है, जिंदगी भर इसकी देखभाल करेगा, इसीलिए शादी तय कर दी। तय करने वाली तुम कौन होती हो? गांव वाले ही फैसला करेंगे, हम सबको एक दूसरे की बात माननी होगी। जब मेरे पति प्रधान थे तब वही तुम लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। अब समस्या वो नहीं है, वो लड़का किस जात का है? इंसान है वो। जाति क्या है उसकी? इंसानियत उसकी जाति है। बहुत बोल रही हो, हमारे गांव का एक नियम है, हम लोग लड़की अपने गांव में देते हैं और लेते हैं। तुम्हारे होने वाले दामाद को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, शहद निकालना भी नहीं आता है, भेड़ बकरी चराना भी नहीं आता है, जंगली जानवर से खुद को रक्षा करना नहीं आता है, क्या वो ये सब जानता है? बोलो जवाब दो हमें। हाँ? अगर वो ये सब जानता है तभी हम में से एक है, हमारी जाति का है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो बता दो, हम अभी शादी करवा देंगे यहीं पर, समझ गई? मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ। तो चुप कर जा बेवड़े। पूरे गांव ने मिलकर फैसला ले लिया कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन मेरा फैसला अभी बाकी है। देखा तुमने, वो कह रही है कि मुझसे शादी करेगी। ये जात पात धर्म के पागलपन में पड़ने वाले आप लोगों के साथ मैं नहीं हूँ। अगर आपके खिलाफ जाकर शादी करूंगी तो मुझे गाँव से निकाल देंगे आप लोग। अरे आप लोग मुझे गाँव से क्या निकालेंगे, मैं खुद ये गाँव छोड़ दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिया रसोई का काम करने वाली को, पढ़ाया लिखाया ना, इसलिए वो आपको पढ़ा रही है। कल मंदिर में मेरी शादी होगी, अगर अपनी इज्जत प्यारी है ना तो वहाँ पर मत आना, मेरी देवी माँ है ना, मेरे लिए वही काफी है। चलो ना, चलो। सुनो मेरी बात, देखते हैं कैसे होगी शादी। सुनो कलावती, कलावती, पूरा गांव खिलाफ हो जाए फिर भी उत्तरा की शादी मैं कराऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो
हाँ चलो। देवी माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी पोती की अच्छी तरह शादी हो गई। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। hey, तू कहाँ जा रही है? उत्तरा, तू मेरी है। जाओ। किसी और को कैसे ले जाने दूंगा मैं? हाँ उत्तरा, hey, छोड़ दो। उत्तरा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ उत्तरा, जाओ उत्तरा, भाग जाओ। उत्तरा, भाग जाओ। क्यों बे, बीज हम डाले, पौधे को हम सींच कर, जब पेड़ बनाकर फल देने का समय आता है तो तू आकर उस फल को तोड़ लेना चाहता है? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी इज्जत के लिए मुझे एक साड़ी दे दीजिए। छी, तेरी कैसी इज्जत, जाए यहाँ से। दीदी, दीदी मेरी इज्जत बचाइए। चले जा। अरे जा जा, निकल यहाँ से। मौसी मेरी मदद करिए। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। दादी आप तो मेरी मदद करिए। अरे मैंने कहा ना, चल जा यहाँ से, पूरे गांव की इज्जत खराब कर दी तूने, जा। क्या हुआ उतरा, गांव वालों से मदद मांग रही थी? हाँ, कोई भी मदद नहीं करेगा मेरे सिवा। मेरे दिल की बात समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो उससे शादी करना चाहती थी ना, जिसे मैंने मार दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे साथ चल, तुझे रानी बनाकर रखूंगा मैं, चल। ए, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगी, समझ गया? तू अभी तक नहीं मरा? हाँ, गोकुल, गोकुल, गोकुल। ए, सब लोग कान खोल कर सुन लो, मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे घर की औरतों का भी यही हाल होगा। मैं तुम लोगों का भगवान हूँ, मुझे राक्षस मत बना देना, समझे क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा गोकुल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गोकुल, नहीं, नहीं, नहीं गोकुल। दादी, दादी सुनिए, मेरी मदद करिए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी, जाओ यहाँ से। कोई तो मेरी मदद, चलो, चलो, मेरे पति की जान चली जाएगी, मदद करो। मैंने मना किया था ना तुझे, इस गांव में कोई भी मर्द नहीं दिखता था, बस यही एक मर्द दिखता था तुझे, आ इसी से मदद। ऐसा मत कहो स्वामी, मेरी मदद करिए, स्वामी जी मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। अरे मेरे पैर छोड़, इन हाथों से मैं तेरा इलाज करूं? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इन गांव वालों को तू खुद दूर कर रही है, अब यही गांव वाले तुझे अपने लग रहे हैं? जब मैं तुझे समझा रहा था तब मेरी बात समझ में नहीं आई, मुझे मेरी जान प्यारी है, चल हट, हट। आ, 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 आ,
बोलो माँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी इज्जत छिपाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियां पहनाकर मैं खुश होती थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया माँ। क्यों कुछ नहीं किया तुमने? ठीक है माँ, मेरी इज्जत गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे निर्दोष पति की जान ऐसे तो नहीं जाने दो माँ। इनकी जान बचा, बस पत्थर की मूरत बनी रहोगी क्या? मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ हो माँ, आखिरी सांस तक साथ रहोगी, पर मैं गलत थी, तुमने मेरा साथ छोड़ा। सुनिए जी, गोकुल, गोकुल, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया माँ, तुम खून की प्यासी हो गई हो, प्यार करने वालों से ऐसे बदला ले रही हो तुम। मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है तुमने? मुझे भी मार दो, प्यास बुझा लो अपनी। ये लो माँ, आज मैं तुम्हारा रक्त अभिषेक कर देती हूँ। अरे मेरी बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया? जो मैंने सपना देखा था सच हो गया। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची। उत्तरा, ये तूने क्या किया? नानी, माँ ने खून मांगा इसलिए दिया, और जब यही नहीं रहे तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगी? इसलिए मैं भी, लेकिन ऐसा करने वाले को, उस मुकेश को और इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे मैं मर रही हूँ वैसे ही ये लोग भी मर जाएंगे। उत्तरा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। उठा लो माँ। ए बड़के बाबा, तूने इस हाथ से इलाज करने से मना किया था ना? आज के बाद तू किसी का इलाज नहीं कर पाएगा। ए, तूने मुझे साड़ी देने से मना किया था ना? आज के बाद तू जिंदगी भर साड़ी नहीं पहन पाएगी। भगवान, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। डरने की कौन जरूरत नहीं है, ये उत्तरा ही है, वो यही है, वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नानी, इसका अंत क्या है? इस गांव के लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने उत्तरा के साथ जो अन्याय किया, हम उसके लिए बहुत दुखी। कम से कम अब तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अगर वो लोग चैन से रहना चाहते हैं तो मेरी पोती की मौत के कारण को इस गांव में लाना होगा, उसके बाद ही वो इस गांव को छोड़ पाएगी। नानी, कौन है ये? मुकेश। मेरी पोती उत्तरा की अकस्मात मृत्यु के कारण वो आत्मा बन गई है, लेकिन वो इस गांव की सीमा को पार नहीं कर सकती है, इसीलिए उसे यहाँ लाना होगा, तभी उन लोगों को तुम्हारे जरिए मुक्ति मिल सकती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नानी, हम हैं ना। जिस मुकेश को आप अपना भगवान समझते हैं
असल में आपकी इस हालत का कारण वही है। अगर आप चाहते हैं इस गांव में किसी और की मौत ना हो तो उस मुकेश को इस गांव में आना ही पड़ेगा। अगर मुकेश को उत्तरा के हवाले करने से हम खुश रह सकते हैं तो हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए। बाबा, मुकेश के पिताजी ने पूरी जिंदगी इस गांव की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन मुकेश अच्छा बनने का नाटक करके आपको बेवकूफ बना रहा है। इस गांव के 100 अच्छे लोगों को जिंदा रखने के लिए मुकेश नाम के बुरे इंसान को मारने में कोई हर्ज नहीं है। आपने महाभारत और रामायण पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है क्या? देव और असुर में पाप पुण्य में फर्क नहीं पता आपको? ऐसे लोगों पर दया किसके लिए? मुकेश कहाँ है बताइए? जब से हम इस गांव में आए हैं न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी कुछ नहीं है। हमने खुद को पूरी दुनिया से अलग करके आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। आप लोगों की भलाई करने का सोच रहे हैं हम। बताइए मुकेश कहाँ है? बताइए भी कहाँ पर है मुकेश? बोलिए ना, बोलिए। तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। मेरे लोगों ने जो दुख सहे हैं वो काफी है। कम से कम अब तो वो लोग खुश रह सकते हैं। मैं बताता हूँ कि मुकेश कहाँ है। आप लोग कौन हैं? सुनिए, हम लोग मुकेश जी से मिलने आए हैं। वो तो यहाँ नहीं है। आप लोग किस काम से आए हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, शहर में पढ़ते हैं। यहाँ के बारे में रिसर्च करने आए हैं। उनसे परमिशन लेने के लिए 10 दस्तखत चाहिए ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। वो बहुत दिनों से घर नहीं आए, फिलहाल रुई के गोदाम में होंगे। वो वहाँ पर रहते हैं और आप यहाँ पर रहती हैं? उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। मेरे सुहाग पर खतरा है, ऐसा ज्योतिषी ने बताया है। इसलिए सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वो जान बचाने के लिए डर के भागते फिर रहे हैं। लेकिन छिपकर जिंदगी जीने जैसा, ऐसा कौन सा उन्होंने अपराध किया है? पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आए हो, बेकार की बातों में मत पड़ो। लड़की हो तो बता रही हूँ, उस इंसान से बचकर रहना। हम अपनी रक्षा कर लेंगे मैडम। सर, सर। कोई देख नहीं रहा है। वो देखो आ गए। कौन है आप लोग? मुकेश जी से मिलना था। वो यहाँ पर है, किसने बताया तुम्हें? सर, हम उनके घर गए थे, उनकी पत्नी ने बताया कि वो यहाँ है। प्लीज दरवाजा खोलिए ना। ठीक है। आइए अंदर, आइए, 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 आइए। भैया। ए, कौन है लोग? सर, वो हम लोग आपसे ही मिलने आए थे। पर मुझसे क्यों मिलने आए हो? सर, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। हम लोग जंगल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? इस जंगल में जाकर रिसर्च करने के लिए आप अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं। आप मुझसे मदद मांगने आए हो तो भला मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये बताओ कि जंगल में कितने दिनों तक शोध करना है? 2-3 दिन में हो जाएगा सर। वैसे रुके कहाँ हो? पास के किसी होटल में सर। मेरे होते हुए तुम लोग कहीं और यही ठहर सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू सर। वैसे आज मेरा बर्थडे है, मुझसे कोई भी कुछ मांगेगा ना तो मैं मना नहीं करूंगा। ओह, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। वेलकम। हैप्पी बर्थडे सर। अगर तुम फॉरेस्ट देखना चाहते हो तो ये ले जाकर तुम्हें दिखा देंगे। थैंक यू सर। आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम सब जरूर आना, ठीक है? ओके। सॉरी। सक्सेस। पहले ही दिन हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। लेकिन बाहर निकले बिना ये यहाँ कैसे रहता है? लगता है जरूरत की सभी चीजों को मंगवा कर यहीं पर मजे कर रहा है। ओह, वहाँ इसकी पत्नी इसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है और यहाँ पर ये रंगरलिया मना रहा है। यार सुन ना, अगर प्लान ए काम नहीं किया ना तो प्लान बी ठीक है। ए, ये प्लान ए प्लान बी क्या है, हमें भी बताओ इसके बारे में। प्लान ए, उसकी गर्दन पर चाकू रख कर उसे उठा कर ले जाना। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी ना, तुम तीनों को दिखाकर उसे मदहोश करके ले जाना। तब तो प्लान बी जरूर काम आएगा। हाँ। ए, जल्दी चला। मुकेश भैया, रुक जाइए, जहाँ आपको नहीं जाना है वहाँ ले जा रहे हैं ये। वरुणपुर ले जा रहे हैं, गाड़ी रोकने के लिए कहिए भैया।
यहाँ मैं आना नहीं चाहता था, वही तुम लोग मुझे लेकर आ गए। हाँ तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? भूल गई क्या? माँ, मुझे अंदर आने दो। उत्तरा, अब तुम एक आत्मा हो, ये भूल गई हो कि कोई भी आत्मा मेरी सीमा पार करके यहाँ नहीं आ सकती है। तुम ये बात जानती हो ना? उसका स्वरूप है, बस इसी कारण से वो दुष्ट मंदिर में आ सकता है और मैं नहीं आ सकती, बस इसीलिए क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है। ना समझे की बात मत करो। अगम विधि के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे जैसी प्रेत आत्माएं मंदिर में नहीं आ सकती। तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो, मैं इतनी लाचार हो गई हूँ इसीलिए छिप कर बात कर रही हो? माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते की लाज रख और सामने आकर बात करो। सामने आओ माँ। पत्थर थी तब से तुम्हें छुआ है, नहलाया है, साड़ी पहनाई है, बिंदी लगाई है, फूल भी चढ़ाए हैं, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होने में मुझे शर्म आ रही है। तुमने मनुष्य रूप में जो मेरी सेवा की थी उसके फलस्वरूप ही तुम एक आत्मा होने के बाद भी मुझे देख पा रही हो। नहीं माँ, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। बदली मैं नहीं, तुम हो, इस बात को समझो। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझे उसका वध करना है, बाहर भेजो उसे। अपनी जान बचाने के लिए
वो मेरी शरण में आया है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, समझो। उसकी पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रख रही है, मुझ पर विश्वास करती है, उस विश्वास की रक्षा करनी है। इसका मतलब मेरा सुहाग लूटने वाले की पत्नी का सुहाग बना रहे, तुम यही चाहती हो है ना? ये कहाँ का न्याय है माँ? तुमने भी तो इस गांव में शादी करने वाले को, नव विवाहितों को मारा था, क्या वो न्याय था? बताओ उत्तरा। आज तुम्हें जितनी चिंता उनकी हो रही है, अगर मेरी उतनी चिंता की होती तो आज ये मेरा हाल नहीं होता, मैं आत्मा नहीं बनती। मुझे इस मुकेश से तुमने क्यों नहीं बचाया, तब तो पत्थर की मूर्ति बनी रही ना। तुम्हारे पति की मृत्यु विधान था, मुकेश निमित्त मात्र था। तो इस मुकेश की मौत की विधि तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया? भाग्य का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते उत्तरा। मारकंड के भाग्य के मुताबिक उसे लेने जब यमराज आए थे तो उसके भाग्य को बदलने वाले भगवान ही थे, ये बात तुम भूल गई। जब शरणागति के लिए मारकंडे प्रभु के चरणों में आ गया तो उसकी रक्षा कर्तव्य है। बुराई करने वालों के साथ अगर तुम भलाई करती रहोगी तो तुम पर विश्वास कौन करेगा? दूसरों पर विश्वास करने वाला खुद पर विश्वास नहीं करता, खुद पर विश्वास करने वाला भगवान पर नहीं करता। सब कुछ त्यागने के बाद जो प्रभु की शरण में आता है, प्रभु उसकी ही रक्षा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अगर ये यहाँ पर 10 दिन बंद भी रहेगा तो भी खाना पीना खाए बिना मर जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि इसकी मौत मेरे जैसी पतिव्रता औरत के हाथों से हो। मैंने कहा उसे बाहर भेजो। ऐसे सोच क्या रही हो माँ? नरकासुर के वध से पूरा संसार खुश हुआ था, आज इस मुकेश की मौत से पूरा का पूरा गांव खुश हो जाएगा। जहाँ रहती हो वहाँ के लोगों की खुशी का कारण बनो माँ, उसमें दीवार मत बनो। तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं अपने भक्तों को कष्ट देती हूँ। मैंने उन्हें समझने का एक अवसर दिया, बस इतना ही। तुम्हारा अवसर किसी को नहीं चाहिए, अब तो बस लोगों को मुकेश की मौत चाहिए, उसका वध हो। इसीलिए ये बच्चे जिनका इन सबसे कोई संबंध नहीं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हैं, चाहो तो खुद देख लो। तुम्हारी बातों का निरादर करके पाप की भागी नहीं बनना चाहती। तुम्हारी शरण में जो आया है उसे तुम असहाय मत छोड़ो माँ, उसे अभी बाहर भेजो। तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी, लेकिन एक वचन दो कि तुम मेरी शक्ति को नहीं रोकोगी माँ, मेरी शक्ति को आगे बढ़ने दोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। इस गांव के लोगों ने कष्ट सहे हैं, वो इनके लिए बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब सब लोग खुश रहें। जय देवी माँ। हमें जो एक्सपीरियंस मिला है वो बाहर की दुनिया को नहीं पता चलेगा। इस अनुभव को
हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और तो और अपने कॉलेज के दोस्तों से छिपा भी नहीं सकते। कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि ये बिना बताए कैसे किया? क्या बात है, ये तो सच में यार ये तो कमाल हो गया। हमें बिना पता चले ये तुमने कब किया? That's विष्णु,